अभी मैं 10 डिनर किया है, 10:04 हो रहे हैं और अभी मुझे 4 क्वेश्चन करने हैं डीएसए के। और 4 क्वेश्चन हल्के फुल्के नहीं है, एक ट्री का है और बाकी 3 रिकर्जन के हैं, वो भी तगड़े वाले हैं। तो अभी फिलहाल लगभग लगभग सभी मीडिया में एक कथ हार्ड निकल गया तो लगवाता है, मतलब ईजी कोई भी नहीं है, सभी में टाइम लगने वाला है। और फर्स्ट अप्रोच में मुझसे एक भी क्वेश्चन नहीं आता, मतलब 5 क्वेश्चन को मुझे ट्राई करना है, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो उनकी सॉल्यूशन वीडियोस देखनी है, फिर समझना है, फिर करना है। मैं तुम्हें एक बार क्वेश्चन दिखा देता हूँ कौन कौन से हैं। तो भाई टाइम देख लो एक बार, 10:05, और सबसे पहला क्वेश्चन है आज का POTD ऑफ लीड कोड। यहाँ पर पैलिंड्रोम निकालना, मतलब भाई क्वेश्चन ही ढंग से समझ नहीं आया। पैलिंड्रोम पाथ में फाइंड करना है एक ट्री का, मेरे को सही से समझ इतना ही समझ में आया अभी तक। तो भाई ये रहा क्वेश्चन, और इसका मैं सॉल्यूशन वीडियो देख रहा हूँ, अभी अभी देखना ही शुरू किया है, देखी नहीं अभी तक पूरी। फिर एक क्वेश्चन है, ये मैंने बहुत पहले सॉल्व किया था, बहुत पहले, लेट मी चेक कब किया था, मैंने इस क्वेश्चन को किया था कुछ 1 मंथ पहले, 26 दिसंबर, होप सो मेरे से हो जाएगा। हाँ हो जाएगा, क्योंकि इसमें मुझे ये करना है कि मेरे पास डाइस है, के नंबर ऑफ डाइस है, और मुझे टारगेट 3 चाहिए। तो भाई मुझे यहाँ पर प्रॉबिलिटी निकालनी है नंबर ऑफ डाइस टूगेदर सम, तो भाई मुझे यहाँ पर निकालना गया। लेट मी रीड द क्वेश्चन फर्स्ट, नंबर ऑफ डाइस रोल विथ टारगेट सम, यू हैव एन डाइस, ईच डाइस हैज के फेसेस नंबर 1 to k, गिवन 3 इंटीजर्स एन के एंड टारगेट, रिटर्न द नंबर ऑफ पॉसिबल वेज आउट ऑफ के की पावर एन, टोटल वेज टू रोल द डाइस। अच्छा, हमें यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वेज निकालनी है 3 फाइंड करने के लिए। हमें 3 यहाँ पर कैसे मिल सकते हैं, हमारे पास एक डाइस है और उसमें 6 फेसेस हैं, मतलब 1 से लेकर 6 तक। तो भाई हमें एक ही बार मिल पाएगा ना, एक डाइस है, एक डाइस है और 3 चाहिए, तो हमें एक ही बार में मिल पाएगा। और 2 डाइस हैं, हमें 7 चाहिए, तो 6 पॉसिबल वेज है। हाँ ये हो जाएगा, ट्राई मारूंगा, हो जाएगा, क्योंकि भाई मुझे जैसा लग रहा है भी देखने से, एक बार मैं लूप चलाऊंगा 1 से लेकर 6 तक का, जिससे मेरा ये डाइस के फेसेस आ जाएंगे, 1 से लेकर k तक का, सॉरी 6 तक का नहीं, k तक का। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे रिकर्सन कॉल मारूंगा, और जो टारगेट होगा मैं वहाँ पे हर एक इंक्लूड एक्सक्लूड करके, मतलब इससे मैं कुछ अप्रोच सोचूंगा। अभी मैंने सिर्फ क्वेश्चन ही पढ़ा है, बस इसको कर रखा था पहले, मैंने 1 महीने पहले इसका जो याद है वही बता रहा था मैं। मिनिमम कॉस्ट फॉर टिकट्स, ये क्वेश्चन है एक। तो भाई यहाँ पे मुझे क्या करना है, लेट मी रीड इट, यू हैव प्लान फॉर सम, बाद में पढ़ते हैं, सिंपल बात बाद में पढ़ते हैं, क्योंकि अभी मैं इसको थोड़ा सा अटेंशन देना नहीं चाहता, बिकॉज अभी मेरा मेन फोकस है इस वाले क्वेश्चन पर, स्यूडो पैलिंड्रोम पाथ इन अ बाइनरी ट्री। और बाकी ये 3 क्वेश्चन मुझे आज 12 बजे से पहले करने हैं, होप सो हो जाए और ज्यादा मुझे जागना ना पड़े। लेट्स सी, एक टाइम लैप्स डालता हूँ पढ़ने में। मत कर माया को अहंकार, मत कर काया को अभिमान, काया काज से काजी, मत कर माया को अहंकार, मत कर काया को अभिमान, काया कार से काजी। तो भाई फाइनली, तो भाई मैंने वो 4 क्वेश्चन कर दिए हैं, और अभी फिलहाल टाइम हो रहा है 12:09, और तुमने अभी 2 घंटे टाइम लैप्स देखा था। स्टार्टिंग में क्या बोलूँ, मेरी DP में थोड़ी सी वीकनेस है, वीकनेस इन द सेंस ये है कि मैं DP में समझ लेता हूँ क्या बोलना चाहता है, बट कभी कभार मैं उसे बेस कंडीशन में कन्फ्यूज होता हूँ, और इंक्लूड एक्सक्लूड वाले में स्पेशली कन्फ्यूज हो जाता हूँ मैं। फॉर एग्जाम्पल ये केस था, यहाँ पे तुम्हें वही डाइस वाली प्रॉब्लम थी, तुम्हें डाइस दे रखा है और टारगेट दे रखा है और उसके फीसेस दे रखे हैं, तो यहाँ पर निकालना था। मैं यहाँ पर सब कुछ कर दिया भाई, बट जिससे बोलते हैं ना, ये यहाँ पे मैं इंक्लूड एक्सक्लूड कर रहा था, मैं हर एक को इंक्लूड कर रहा था, एक्सक्लूड कर रहा था, बट यहाँ पे इंक्लूड एक्सक्लूड नहीं, सिंपल सा नॉर्मल एक लॉजिक था, जब तक तुम्हारे डाइस खत्म नहीं हो जाते और टारगेट एक लूप लगाओ 6 तक का, फेसेस तक का, फेसेस से माइनस करने के बाद टारगेट में 0 नहीं हो जाता, और दोनों साथ में 0 हो जाएंगे तभी रिटर्न होगा ट्रू, इसके अलावा ट्रू रिटर्न नहीं होगा। ये कंडीशन भाई, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा तगड़ा है, जिसे बोलते हैं ना हर बार, मतलब मैं खुद से करता हूँ, करता था जैसे स्टार्टिंग में खुद से अप्रोच ट्राई की थी, बट अप्रोच हुई नहीं थी, फिर मैंने इसका सॉल्यूशन देखा, फिर समझा, फिर दोबारा किया, फिर हल्का सा यहाँ पे फंसा, फिर देखा, फिर कर दिया। और बात है मिनिमम कॉस्ट फॉर टिकट्स, यहाँ पे हमें एक वो दिया हुआ है, डेट दे रखी है किस तारीख को हमें ट्रैवल करना है, और प्राइस दे रखा है टिकट का प्राइस, और 3 हिसाब से, Day 1 में इतना प्राइस, Day 7 7 दिन तक इतना प्राइस, 30 दिन तक इतना प्राइस, ऊपर दिया हुआ है पूरा क्वेश्चन। और फिर इसमें ये था
कि हमें निकालना था, तो मैं यहाँ पे इंक्लूड एक्सक्लूड करता हूँ कि डे वन में इंक्लूड करेगा, डे टू में इंक्लूड नहीं करेगा, एक्सक्लूड करेगा, एक्सक्लूड नहीं करेगा, मैं ये कर रहा हूँ भाई। यहाँ पे मिनिमम इतना करना था कि हमें एक भी तो नॉर्मल बेस कंडीशन कोई दिक्कत नहीं, हमें यहाँ पे कॉस्ट निकाल लिया, कॉस्ट वन, कॉस्ट वन मतलब हमें सिर्फ इससे पहले वाले इंडेक्स एलिमेंट से करना था और दूसरे वाले इंडेक्स 7 एलिमेंट तक खसीट लेगा, मतलब 7 दिन तक ले लेगा, फिर मैं 7 दिन तक वहाँ पे वापस ले नहीं पाऊंगा। लास्ट डे इज इक्वल टू 7 डे माइनस 1, बिकॉज खुद का इंक्लूसिव है, जो पहला इंडेक्स है ना यहाँ पे इंक्लूसिव है। फिर उसके बाद यहाँ पे जे इक्वल टू आई लिया हमने, इसके बाद यहाँ पे जे प्लस प्लस करते रहेंगे, मतलब ताकि हम यहाँ पे 7 दिन पे ट्रैवल करने के बाद हम नहीं चाहते कि वापस यहाँ पे हूँ, मैं 7 दिन तक ट्रैवल कर लिया, मैं नहीं चाहता तो मैं दोबारा यहाँ से काउंट करूँ, मैं चाहूँगा कि 8वें से काउंट करूँगा नेक्स्ट टिकट पे। तो भाई यहाँ पे इसलिए मैंने ये वाला लॉजिक लगाया, जब तक मेरा इक्वल्स तो नहीं आ गया 7 के, तब तक मैंने आई जे प्लस प्लस किया, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे कॉस 7 निकाली न्यू आई से, जो जे होगा ना जे नया आई होगा 7 दिन बाद वाला। फिर इसी तरह सेम लॉजिक मैंने डे 30 में निकाला, डे 30 प्लस, क्योंकि इंक्लूसिव होता है ना, जिस दिन से मैं काउंट कर रहा हूँ टिकट खरीदी उसी दिन से स्टार्ट हो जाता है, तो डे 30 माइनस 1, तो मैं आगे 30 के तक जा पाऊंगा, तो जे इक्वल टू आई हो गया। और मैं यहाँ पे 30 डे के बाद ही, 30 डे में टिकट खरीद लिया, टिकट खरीद लिया 30 दिनों की, तो मैं 30 दिनों के बाद ही यहाँ पे ले पाऊंगा टिकट, इन द सेंस कि मैंने यहाँ पे आई को सिर्फ बढ़ाया है 30 के बाद तक, और जैसे ही बढ़ाया फिर मैं यहाँ पे इसको रिकर्जन के थ्रू पास कर देता हूँ, फिर सेम और इन तीनों का मिनिमम निकल जाता है आंसर। तो भाई ये भी काफ़ी तगड़ा क्वेश्चन था, और ये भी काफ़ी तगड़ा क्वेश्चन था, जिसे बोलते ना मुझे डीपी में अभी तक कॉन्फिडेंस नहीं आया है, सच्ची बोलो तो, ट्रुथ बोल रहा हूँ। मैंने यहाँ पे जितने होमवर्क थे, ज़्यादा होमवर्क नहीं थे यहाँ पे डीपी के, 3, 3, 6, 7, 8, 9 मतलब रिकर्जन के, वैसे बाय द वे कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन होंगे होमवर्क वाले, मैं सारे कर लिए हैं। और मैं अभी फिलहाल, फिलहाल क्या मतलब, मैंने पिछले दिसंबर मंथ में मैंने एक चीज़ ट्राई की थी, तो मैं दिखाता हूँ कि भाई मैंने एक गूगल शीट बनाई थी, एक मतलब जो एक सिद्धार्थ भाई है, नाम याद नहीं आ रहा मुझे, उस बंदे ने इंस्टाग्राम पे एक चैनल किया था ना सीट बनाने का, उससे मैंने भी इसको इंस्पायर होकर किया था। बट जिसे बोलते हैं ना, यहाँ पे मैं तभी करता था जब वीकेंड होता था, छुट्टी मिलती थी, बट अभी फिलहाल काफ़ी दिन की छुट्टी है, मैं सोच रहा हूँ सीट को कंटिन्यू करूँ। कल मैंने 4 क्वेश्चन किए थे, आज भी मैंने 4 क्वेश्चन या पता नहीं कितने किए, देख लूँगा हिस्ट्री में जाके, वो करने के बाद ऐड कर देता हूँ स्ट्रिंग में, इस शीट में अभी ही ऐड कर देता, बिकॉज जितना बात करूंगा उतना चलता जाएगा, और डेली मैं इससे ऐड करते रहूंगा, काफ़ी सही रहेगा। और जब मुझे रिवाइज करना होता है मैं यहाँ पे हिंट लिख देता हूँ, और क्वेश्चन का लिंक है यहाँ पे, और टॉपिक को मैंने कितना टाइम देता, इजी मीडियम हार्ड वाइज, क्वेश्चन का नाम और टॉपिक और क्वेश्चन नंबर और डे नंबर, मतलब काफ़ी सही रहता है ऐसे, इसको ऐड करने से हमें अपनी प्रोग्रेस पता चल जाती है। मैं इसको ऐड करके मिलता हूँ। तो भाई फिलहाल मैंने कर दिया पूरा कंप्लीट मेरा डे 8 और डे 9, अब मैं ट्राई करूँगा रेगुलर से अपडेट करने का और रेगुलर ही क्वेश्चन करने का। और एक और बात, मैं इस जो लिस्ट में कोई से भी प्रॉब्लम ऑफ द डे नहीं डाल रहा, जितने खुद से कर रहा हूँ प्रॉब्लम ऑफ द डे से हट के वही डाल रहा हूँ, और थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगे, लगभग आधे घंटे ज़्यादा ही लग गए। हर एक क्वेश्चन का मुझे हिंट भी डालना पड़ा, तो खुद से ये मेल लैंग्वेज में, अगर इनकेस मैं दोबारा इसे रिविजन के लिए देखूँ तो पढ़ेगी समझ जाऊँगा कि भयंकर क्या लिखा हुआ है और क्या करना है इस क्वेश्चन में। और इस क्वेश्चन का लिंक, इसके हिंट्स, और इसको मेरे को एवरेज कितना टाइम लगा था, और तुक्का ही मारा मैंने, मतलब एवरेज कितना लगा था मुझे, इजी मीडियम हार्ड, लेबलिंग, क्वेश्चन, और ये जो स्टार्स है ना, इसको मैंने कई बार देखा हुआ है कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म पे, क्या मतलब बहुत तगड़े क्वेश्चन है, फंसूंगा इसलिए स्टार लगा दिया, जब भी आऊँगा इनको जरूर रिवाइज करना है। और फिर टॉपिक का नाम, क्वेश्चन नंबर, डे नंबर। तो भाई आज के लिए इतने करते हैं, बिकॉज काफ़ी रात हो गई है, और टाइम टू स्लीप 1 बजने वाले हैं, और जितना जल्दी सोऊंगा उतना अच्छा रहेगा। बाय, गुड नाइट।